Hello everyone, in this video you will get to know what is network topologies and different types of network topologies used in a computer network. So first we have what is network topology. Network topology kya hai? Network topology refers to the physical or logical layout of a network. Network topology kisi bhi network ke physical or logical layout ko define karta hai. Physical layout ka meaning hai ki network kaise create kiya jayega, network ka architecture kya hoga. आर्किटेक्चर का मीनिंग है डिवाइसेस को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कहाँ कहाँ रखा जाएगा, कैसे प्लेस किया जाएगा, कैसे उनको कनेक्ट किया जाएगा, किस मीडियम से उनको कनेक्ट किया जाएगा, वायर्ड मीडियम से कनेक्ट किया जाएगा या वायरलेस मीडियम से कनेक्ट किया जाएगा, राइट. नेटवर्क टोपोलॉजी में किसी भी नेटवर्क की लॉजिकल लेआउट को भी डिफाइन किया जाता है. मीन्स एक नेटवर्क के अंदर डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैसे जाएगा, मतलब कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा डेटा को. फाइन, ओके. इट डिफाइंस द वे डिफरेंट नोड्स आर प्लेस्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन अ नेटवर्क. नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन करता है, बताता है कि एक नेटवर्क में नोड्स को कैसे प्लेस किया जाएगा, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को कैसे प्लेस किया जाएगा, कहाँ कहाँ उनको अटैच किया जाएगा, रखा जाएगा एंड कैसे उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, इंटरकनेक्ट किया जाएगा. ओके. नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज नोड्स. नेटवर्क टोपोलॉजी ये भी डिफाइन करता है कि एक नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा एक नोड से दूसरे नोड तक, राइट. ओके, कैसे डेटा का ट्रांसमिशन होगा विद इन अ नेटवर्क. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. नेटवर्क टोपोलॉजीज दो तरीके की होते हैं, इनके दो टाइप्स हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल. फिजिकल टोपोलॉजी एम्फेसाइजेस द फिजिकल लेआउट ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस एंड नोड्स. फिजिकल टोपोलॉजी डिफाइन करता है किसी भी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट, मींस उसका आर्किटेक्चर क्या है, राइट. डिवाइसेस को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, किस मीडियम से कनेक्ट किया जाएगा, राइट. ओके. लॉजिकल टोपोलॉजी फोकसेस ऑन द पैटर्न ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द नेटवर्क नोड्स. और लॉजिकल टोपोलॉजी किस पे फोकस करता है कि कैसे डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा एक नोड से दूसरे नोड तक, राइट. ओके. फर्स्ट वी हैव स्टार टोपोलॉजी. इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच. स्टार टोपोलॉजीज में जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं. ओके, और ये सेंट्रल डिवाइस आपका हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है, राइट. ऑल द कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल डिवाइस. जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल करता है. फाइन, द सेंट्रल डिवाइस कैन बी आइदर अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मीन्स डेटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क. अगर आप सेंट्रल डिवाइस में हब को यूज़ कर रहे हैं तो क्या वर्क करेगा, वो एज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस वर्क करेगा और जितना भी उसके पास डेटा आएगा वो सारे कंप्यूटर्स को सेम डेटा क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा. फाइन, ब्रॉडकास्ट कर देगा. ओके, और एज अ यूनिकास्ट डिवाइस. और अगर आप हब के प्लेस पर अपनी स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्विच को यूज़ कर रहे हैं तो स्विच एज अ यूनिकास्ट डिवाइस वर्क करेगा, विच मीन्स द सेंट्रल डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोड. सेंट्रल डिवाइस डेस्टिनेशन नोड को आइडेंटिफाई करेगा. ओके, उस नोड को आइडेंटिफाई करेगा जिसके पास वो डेटा जाना है, जिसके पास वो मैसेज जाना है, एंड फॉरवर्ड द डेटा टू डैट नोड ओनली. और उस डेटा को उस पर्टिकुलर नोड को ही फॉरवर्ड करेगा, सारे के सारे डिवाइसेस जो उससे अटैच हैं उनको फॉरवर्ड नहीं करेगा. ओके, नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज वेरी इजी एज ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस. स्टार टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी नोड्स हैं, उनको एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करना है. फाइन, फॉल्ट डिटेक्शन इज ईजी. इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्ट करना बहुत ईजी है. फेलर ऑफ सिंगल सिस्टम विल नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क. अगर किसी भी नोड के अंदर कोई फेलर होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो पूरे सिस्टम को क्रैश नहीं करेगा. ओके, अलाउ सेवरल टाइप्स ऑफ केबल्स इन सेम नेटवर्क. स्टार टोपोलॉजी में आप बहुत सारे टाइप्स के केबल्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोएक्सियल केबल. ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल. मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क इज इजी. स्टार टोपोलॉजी के अगर आप अपने नेटवर्क को स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस बहुत ईजी है.
Now we have disadvantage of star topology. In star topology, each node must be linked to a central device. Star topology में क्या है, जितने भी devices हैं, जितने भी nodes हैं, वो central device से connect होते हैं, okay? For this reason, more cabling is required in star topology as compared to the bus or ring topology. तो as compared to the other topologies like bus topology or ring topology, star topology में cabling ज़्यादा चाहिए, right? उसमें ज़्यादा cables आपको चाहिए because all the devices are connected with the help of the cables, okay? The network crucially depend on the central device. If the central device fails, the entire network will be disabled. ये जो network है वो पूरा का पूरा central device के ऊपर ही depend है. अगर central device fail हो जाता है तो complete network disable हो जाएगा. ओके, परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल डिवाइस. और अगर इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी पूरा किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है. ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सेंट्रल डिवाइस, राइट. नेक्स्ट वी हैव बस टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, कंप्यूटर्स एंड पेरीफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉन्टीन्यूअस केबल कॉल्ड बस. बस टॉपोलॉजी में जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं जिसको बस कहा जाता है, राइट. डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन. जब कोई भी नोड या कोई भी डिवाइस जो बस से कनेक्टेड है डेटा ट्रांसमिट करता है, राइट, वो डेटा बस के दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. ओके, जितने भी नोड्स अटैच्ड होते हैं वो डेटा उन सब के पास जाता है, फाइन. डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स नोन एज पैकेट्स. और डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जहाँ पे पैकेट्स के हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि उस डेटा को कहाँ जाना है, एंड डेटा होता है. ओके, ईच पैकेट हैज़ अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस. ओके, जितने भी पैकेट्स ट्रेवल करेंगे, फाइन, वो एक डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करेंगे, फाइन. उनके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होता है कि उन पैकेट्स को कहाँ जाना है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है. ईच नोड ऑन द नेटवर्क चेक्स वेदर द डेटा पैकेट्स आर एड्रेस टू इट और नॉट. अब यहाँ पे क्या है, डेटा जो कोई भी डिवाइस डेटा जो ट्रांसमिट करता है वो बस में दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, तो जितने भी नोड्स अटैच्ड होते हैं एक पर्टिकुलर बस में, वो उन डेटा पैकेट्स को चेक करते हैं, राइट. ओके, वो चेक करते हैं कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उनका है या नहीं है, राइट. द डेस्टिनेशन नोड आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑन द पैकेट्स एंड रिसीव देम. जब डेस्टिनेशन नोड के पास ओके वो डेटा पैकेट जाता है तो वो उन डेटा पैकेट्स को रिसीव कर लेता है, फाइन. नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस, सो वेरी शॉर्ट केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड. सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें बहुत ही कम केबल रिक्वायरमेंट है. ओके, बिकॉज जितने भी नोड्स हैं वो एक पर्टिकुलर सिंगल केबल से अटैच्ड हैं, सेंट्रल केबल से अटैच हैं. द आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल, रिलायबल एंड लीनियर. आर्किटेक्चर इसको बनाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि एक लीनियर फॉर्म में इसका आर्किटेक्चर है. ओके, बस टॉपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड इजिली ऑन आइदर साइड. बस टॉपोलॉजी को आप इंक्रीज कर सकते हो, मोर केबल ज्वाइन करके आप उसके अंदर डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो. Both the ends of the bus have terminators which absorbs the signals so that same signals are not reflected back to the bus, confusing the whole data flow. अब देखो इसके दोनों एंड पे बस जो केबल होती है उसके दोनों एंड पे टर्मिनेटर्स होते हैं, राइट. इससे क्या होता है कि सिग्नल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि सिग्नल्स दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं. कोई भी अगर डिवाइस ट्रांसमिट करता है तो सिग्नल दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो एंड में अगर वो एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं, टर्मिनेटर्स पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे वो सिग्नल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते. रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या होगा, उसकी कॉपीज बन जाएगी, फाइन. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हटाने के लिए क्या होता है, टर्मिनेटर्स होते हैं एंड टर्मिनेटर्स एब्जॉर्ब्स द सिग्नल्स, राइट. नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. In case of any fault occurred in the data transmission, fault isolation is very difficult. We have to check the entire network to find the fault. अगर कोई भी fault होती है, right, data transmission में, तो यहाँ पर आपको पूरा system check करना पड़ेगा क्योंकि data पूरे जो आपका cable है उसमें दोनों directions में travel करता है, right? Become slow with increase in number of nodes. जैसे जैसे आप number of nodes इसमें increase करते हो, ये system, ये topology क्या होती है, slow पड़ जाती है, इसमें data transmission slow हो जाता है. Okay?
ओनली अ सिंगल मैसेज कैन ट्रेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, और यहाँ पे एक ही मैसेज ट्रेवल करेगा एक टाइम पर, अगर एक से ज़्यादा ट्रेवल करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। लो सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा, और यहाँ पे ये सिक्योर नहीं है क्योंकि सेम डेटा क्या होता है सबके पास जाता है, ओके, तो दिस इज़ नॉट सिक्योर। देयर इज़ अ लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स डेट कैन बी कनेक्टेड, नॉट सुटेबल फॉर बिग नेटवर्क। बस टॉपोलॉजी बिग नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है, ओके, क्योंकि जो सेंट्रल केबल है उसकी कुछ लिमिटेशन है कि इतनी ही लंबी हो सकती है, और नंबर ऑफ नोड्स की भी लिमिटेशन है, आप ज़्यादा नोड्स अटैच नहीं कर सकते। फाइन, नेक्स्ट वी हैव ट्री टॉपोलॉजी। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स अ ट्री टॉपोलॉजी इज समटाइम्स नॉन एज स्टार बस टॉपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में ट्री टॉपोलॉजी को स्टार बस टॉपोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, स्टार एंड बस टॉपोलॉजी का, बिकॉज इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार एंड बस टॉपोलॉजीज टू क्रिएट अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री टॉपोलॉजी को स्टार बस टॉपोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो स्टार एंड बस दोनों टॉपोलॉजीज के फीचर्स को यूज़ करके ट्री लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है, ओके। In this topology, every branch contains star network and its main structure is designed in the form of a bus backbone cable. तो यहाँ पे देखो, देखो फिर से देखो, in this topology, every branch contains star network. जो tree topology के अंदर branches हैं, okay, वो क्या है, वो star topology है, right? And जो उसका backbone है, right, वो क्या है, वो bus topology है, ओके, तो यहाँ पे देखो स्टार टॉपोलॉजी प्लस बस टॉपोलॉजी कंबाइंड करके आपका ट्री टॉपोलॉजी क्रिएट हो रहा है। फाइन, यू कैन सी यहाँ पे जो देखो इसका सेंट्रल नोड है वो क्या है, बस टॉपोलॉजी है, और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो क्या है, स्टार टॉपोलॉजी है, ओके। नाउ द प्राइमरी बस इज अटैच्ड टू वन और मोर बसेस, आपका जो सेंट्रल नोड है दिस इज द प्राइमरी बस, ओके, इट इज अटैच्ड टू वन और मोर बसेस, वो एक या एक से ज़्यादा और बसेस से कनेक्ट है, यहाँ पे देखो ये बसेस है, फाइन, ओके, एंड स्विचेस, बसेस से कनेक्ट है और स्विच से कनेक्ट है, फाइन, विच फर्दर कनेक्ट टू वन और मोर नेटवर्क डिवाइसेस एंड नेटवर्क नोड्स, ओके, और जो आपके स्विच हैं वो फर्दर किससे कनेक्ट है, और दूसरे नेटवर्क डिवाइसेस से, नेटवर्क नोड्स से कनेक्ट है। फाइन, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल कंप्यूटर नेटवर्किंग मेथड डेट अलाउस यू टू एड नेटवर्क डिवाइसेस टू दिस नेटवर्क बाय सिंपली एक्सपेंडिंग द स्टार नेटवर्क एट ईच ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो टॉपोलॉजी है, ट्री टॉपोलॉजी है, वो वेरी फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप और डिवाइसेस को ज्वाइन कर सकते हो, आप ब्रांचेस को ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ओके, और ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अंदर स्टार टॉपोलॉजी का यूज़ हुआ है, तो उस स्टार टॉपोलॉजी में आप और डिवाइसेस को ऐड ऑन कर सकते हो। फाइन, नाउ हाउ ट्री टॉपोलॉजी नेटवर्क वर्क्स। अब आप देखेंगे कि ट्री टॉपोलॉजी नेटवर्क वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है ट्री टॉपोलॉजी का। इफ द सर्वर वांट्स टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू नोड आई, यहाँ पे देखो ये हमारा सर्वर है, ओके, ये किससे कनेक्शन करना चाहता है, ये नोड आई से कनेक्शन करना चाहता है, इसके साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। इट विल एनकैप्सुलेट द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा, तो ये डेटा पैकेट सेंड करेगा, राइट, और उसमें ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस और डेटा का पैकेट इसने बनाया, ठीक है, एनकैप्सुलेट करके, ओके, देन इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू बैकबोन केबल आफ्टर कंप्लीटिंग द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका मीनिंग यही है कि ये जो सर्वर है एक डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है यहाँ पर नोड आई पर, फाइन, तो इसने एक अपने सिग्नल को क्रिएट किया जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस है और जो डेटा वो सेंड करना चाहता है वो डेटा है, फाइन, तो उसने क्या किया, बैकबोन केबल, ये क्या है, ये जो आपकी है बैकबोन केबल है, इसमें ये मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, फाइन। द एनकैप्सुलेटेड पैकेज विल स्टार्ट टू पास ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बस बैकबोन नेटवर्क। अब ये जो मैसेज है, ये जो सिग्नल है, वो दोनों साइड्स क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है, केबल के दोनों साइड ट्रांसमिट होगा। द पैकेट विल फर्स्ट गो टू द स्विच S1, सबसे पहले पैकेट कहाँ जाएगा, देखो सबसे पहले पैकेट जाएगा स्विच S1 के अंदर जाएगा, विच विल एग्जामिन द पैकेट्स डेस्टिनेशन एड्रेस आफ्टर रिसीविंग इट। स्विच क्या करेगा, इसका जो पैकेट है उसका एड्रेस को एग्जामिन करेगा और देखेगा कि क्या ये जो एड्रेस है वो उसके नोड्स से मैच करता है या नहीं। इट विल ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड द पैकेज इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस डज नॉट मैच दिस पोर्शन, और अगर वो इसके किसी भी नोड के एड्रेस से मैच नहीं करता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको रिसीव नहीं करेगा,
राइट. सिमिलरली द एनकैप्सुलेटेड पैकेट विल रीच द स्विच S2. उसके बाद वो कहाँ जाएगा, स्विच S2 के पास जाएगा. जो पैकेट है वो S2 के पास जाएगा. ओके राइट. यहाँ पे S2 भी उसका क्या करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा. इफ इट फाइंड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस डजंट मैच, इट विल सेंड द पैकेज टू द स्विच 3. अगर ये देखे, इसको पता चलेगा कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है इसके किसी भी नोड के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो उसे कहाँ सेंड कर देगा, वो उसे S3 स्विच के पास सेंड कर देगा. फाइन. तो S3 क्या करेगा, विल फाइंड द लिंक. अब यहाँ पे उसको मिल गया है कि ये इसके किसी नोड के एड्रेस से मैच करता है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लिंक को फाइंड करेगा. ओके. एंड उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा उस पर्टिकुलर नोड के पास. तो यहाँ पे S3 इसको रिसीव करेगा और इसको I नोड के पास क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा. ओके. This is how a tree topology network works. Now here we have advantages of tree topology. Okay, if one or more nodes have failed in the network, they do not affect the entire network. अगर एक या दो node में क्या आती है, problem आ जाती है, इससे पूरा network effect नहीं करता है. Right? And the network can still continue to operate even if a single switch or hub has been damaged. अगर इस network के अंदर कोई एक switch या एक hub क्या होता है, ख़राब हो जाता है, work नहीं करता, तो उससे भी पूरे network पे असर नहीं पड़ता है. Fine. A tree topology network can be managed and maintained easily. एक tree topology network को आराम से manage किया जा सकता है, आराम से maintain किया जा सकता है. In this topology, node expansion is very easy and fast. यहाँ इस topology के अंदर आप आसानी से nodes को add on कर सकते हो. आप branches के अंदर क्या कर सकते हो, और devices को add कर सकते हो. Okay? It contains an easy process to detect an error. आप इस topology के अंदर error को आसानी से detect कर सकते हो. Fine. Due to the utilization of intelligent hub or switch, tree topology gives much greater performance than bus network. अब tree topology में क्या होता है, switch का use किया जाता है. okay, जो एक intelligent device है. okay, तो यहाँ पे tree topology bus topology से better हो जाती है performance wise. okay. Disadvantages of tree topology. Dependent on the main bus cable, tree topology completely, जो मेन उसका बस केबल है, सेंट्रल बस केबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके. इफ़ इट गेट्स डैमेज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रांचेस डिसकनेक्ट्स. अगर सेंट्रल बस में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या होगा, ब्रांचेस के बीच में कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा. फाइन. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बस टॉपोलॉजी एंड स्टार टॉपोलॉजी, सो इट इज़ मोर कॉस्टली एज यू नीड द इक्विपमेंट फॉर बोथ द टॉपोलॉजीज टू क्रिएट अ नेटवर्क. अब यहाँ पे ट्री टॉपोलॉजी क्रिएट करने के लिए आपको बस टॉपोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ रहा है और स्टार टॉपोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ रहा है. तो इन ये दोनों टॉपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपको दोनों टॉपोलॉजीज के डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ेगा. फाइन. तो ये क्या हो जाता है, आपके लिए कॉस्टली पड़ जाता है. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूज एंटरप्राइजेस. आप ट्री टॉपोलॉजी को बहुत बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. राइट. इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क केबल. इसके अंदर बहुत सारा नेटवर्क केबल का यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द नेटवर्क बिटवीन द डिवाइसेज. ओके. विच इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज एंड प्लेस. ट्री टॉपोलॉजी के अंदर केबलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे केबल्स का यूज़ किया जाता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिबल नहीं है. और इसको एवरी वन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you.